पेशेंट कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निर्मला गुप्ता। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन एवं उनके कार्य, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो तंत्रिकीय समन्वय होता है या नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है, मैं क्या कह रही हूँ कि जो तंत्रिकीय समन्वय होता है या नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो काफ़ी कम समय के लिए होता है और काफ़ी फास्ट होता है या काफ़ी तेज़ होता है। उदाहरणार्थ अगर मैं आपको समझाऊँ कि अगर कोई गर्म बर्तन रखा है, मैंने उस पर हाथ रखा तो मैं उसके ऊपर से हाथ जो है वो झट से हटा लूँगी, मैं उसके ऊपर हाथ जो है वो रखे रहने तो नहीं दूँगी। तो ये जो प्रोसेस होता है कि एक संवेदी अंग से दूसरे अंग तक पहुँचना मैसेज और उस अंग से दोबारा मैसेज आना कि ये जो है, ये जो एक्ट है, ये हमें नुकसान या हानि पहुँचा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं कोई गर्म बर्तन पर हाथ रखूँगी तो मेरा हाथ जल सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपना हाथ जो है वो झट से हटा लिया। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है किसके, हाथों और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के बीच में, और मैसेज जो था कि वो एक संवेदी अंग से दूसरे अंग तक गया, संवेदी न्यूरॉन से की मदद से कहाँ तक पहुँचा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स या मोटर तंतुओं से वो मैसेज कन्वे हुआ कि मुझे वहाँ से हाथ हटाना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होता है। अगर जो चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी मैं वहाँ से हाथ जो है वो झट से हटाऊंगी। तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी तंत्रिकीय समन्वय। तो अब कहने का मतलब ये बनता है कि अगर तंत्रिकीय समन्वय कहीं तक ना पहुँचे तो कोऑर्डिनेशन जो होगा या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का जो रेगुलेशन होगा वो जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या उसका निरंतर नियमन जो है वो नहीं हो पाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सजीवों का शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है और हर कोशिका तक ये जो तंत्रिकायन है या जो नर्व्स होते हैं वो इनर्वेट नहीं हो पाते या पेनिट्रेट नहीं हो पाते। तो इसी कोशिकीय क्रियाओं के लिए या सेलुलर एक्टिविटीज़ या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या जितनी भी उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कोशिकाओं में होती हैं उनके निरंतर नियमन या रेगुलेशन के लिए क्या होता है, एक स्पेशल जो होता है या एक विशेष प्रकार का क्या कहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन पाया जाता है हर कोशिकाओं तक। और यही जो नियमन है, रेगुलेशन जो है वो जिस कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करता है वो पॉसिबल हो पाता है हार्मोन्स के कारण। और ये जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ज़रूरत जो है या आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ती है। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार की ग्रंथियां जो होती हैं वो मानव शरीर में पाई जाती हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है। हम ये जो है ये बहुत सुपरफिशियली देखेंगे कि कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब हम देखते हैं कि ग्रंथियां क्या होती हैं या ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ग्रंथियां जो होती हैं कुछ ऐसी कोशिकाएं, ऊतक या अंग हो सकते हैं जिनके द्वारा किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का संश्लेषण एवं स्त्रावण किया जाता है। मतलब ग्लैंड्स जो होते हैं कुछ सेल्स भी हो सकते हैं या टिश्यू हो सकते हैं या ऑर्गन हो सकते हैं जिनके सेल्स के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ या सब्सटेंसेस का संश्लेषण मतलब सिंथेसिस और सीक्रेशन किया जाता है जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। तो अगर हम हार्मोन्स को कंपाइल करें तो उसका डेफिनेशन क्या बन सकता है कि हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कुछ ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि किस चीज़ के लिए या क्या कार्य करते हैं। तो वो सजीवों में क्या करते हैं, कोशिकीय क्रियाओं के लिए, कोशिकीय क्रियाओं
जिसे हम सेल्युलर एक्टिविटीज कह सकते हैं, दूसरा वृद्धि एवं विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या करते हैं ये वृद्धि एवं विकास, और साथ ही साथ प्रजनन या रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हार्मोन्स जो होते हैं कुछ ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि सजीवों में कोशिकीय क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, साथ ही साथ प्रजनन या रिप्रोडक्शन की क्रियाओं में क्या कहते हैं, या क्रियाओं के निरंतर नियमन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रंथियों के प्रकार से, मतलब टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो अगर हम ग्रंथियों के प्रकार देखें, इट मींस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स देखें, तो ग्लैंड्स जो होते हैं ह्यूमंस में वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है बहिर्स्रावी ग्रंथियां, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और वहीं तीसरा जो होता है वो है मिश्रित ग्रंथियां, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। और ये जो होती हैं, दे हैव डक्ट्स, कहने का मतलब ये होता है कि ये नलिकायुक्त होती हैं। नलिकायुक्त होती हैं कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये जिस भी पदार्थ का संश्लेषण एवं स्त्रावण करती हैं, सिंथेसिस और सीक्रेशन करती हैं, उसे वो क्या करती हैं, सबसे पहले रिलीज करती हैं एक डक्ट में या नलिका में, और उस नलिका के थ्रू वो जिस भी डिज़ायर्ड ऑर्गन तक पहुँचना है या जिस भी वांछित अंग तक पहुँचना है, वो वहाँ तक पहुँच के उसके सर्फेस पर क्या करता है, उस पदार्थ को सीक्रेट कर देता है। फिर से एक बार देखें हम कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स पाए जाते हैं, या ये नलिका युक्त होती हैं। तो जिस भी पदार्थ का ये संश्लेषण करती हैं, वो उस नलिका में पहले जाती है, और उस नलिका या डक्ट के थ्रू वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेन या अंग तक पहुँचती है, जहाँ पर उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो रिप्रेजेंट करनी है या शो करनी है, और वो वहाँ पर पहुँच कर उस ऑर्गेन के सर्फस पे जो है उस नलिका द्वारा सिक्रीट या स्त्रावण कर दी जाती है। अगर इसका उदाहरण देखें हम, तो एग्जाम्पल जो है वो क्या होंगे, स्तन ग्रंथियां होती हैं, मतलब मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, और क्या हो सकती हैं, श्वेत ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स हो गए। उसी प्रकार अश्रु ग्रंथियां, जैसे हम लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि हमारे आंखों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सारे हैं, ये सारे किसके उदाहरण हो गए, बहिर्स्रावी ग्रंथियां मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि डक्टलेस होती हैं। क्या होती हैं, जो कि डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं, ये नलिका विहीन होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती। जिस प्रकार बहिर्स्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती थी, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में किसी भी प्रकार की नलिका नहीं होती है। तो इन ग्रंथियों द्वारा जिस भी पदार्थ का संश्लेषण किया जाता है, वो सीधे क्या होते हैं, रुधिर में स्रावित कर दिए जाते हैं, और रुधिर के द्वारा जिस भी अंग तक उसे पहुँचना है, वो उस अंग तक पहुँच जाते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार की नलिका नहीं है, डायरेक्ट वो क्या होता है, वो पदार्थ ब्लड में क्या होता है, सिक्रीट कर दिया जाता है, और जिस भी डिस्टेंट ऑर्गन तक पहुँचना है, वो उस ऑर्गन तक पहुँचा दिया जाता है। तो ये हुए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इनका उदाहरण अगर हम देखें, तो ये तो हमें वैसे भी हमें डिटेल में पढ़ना ही है, तो हम इसका उदाहरण देखें, तो इसके उदाहरण में क्या आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, उसी प्रकार थायराइड ग्लैंड आएगा, पीनियल ग्रंथि भी आएगी। तो ये सारे जो हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिश्रित ग्रंथियां या मिक्स्ड ग्लैंड्स क्या होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक प्रकार का ऑर्गन पाया जाता है मनुष्यों में, जिसे हम क्या कहते हैं, या सजीवों में पाया जाता है, जिसे पेंक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, पैंक्रियाज कहते हैं या अग्नाशय कहते हैं। तो पैंक्रियाज जो है वो एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है या मिक्स्ड ग्लैंड है,
जो कि बहिर्स्रावी साथ ही साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो अगर ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य कर रहा है, मैंने क्या कहा कि ये दोनों के रूप में कार्य करता है, मतलब एंडोक्राइन एज वेल एज ये एक्सोक्राइन के फॉर्म में काम कर रहा है। तो एंडोक्राइन के फॉर्म में अगर ये काम कर रहा है तो ये दो हॉर्मोन्स क्या करता है, दो हॉर्मोन्स का संश्लेषण एवं स्रावण करता है। तो पहला जो हॉर्मोन है वो है इंसुलिन, आप सभी ने नाम सुना होगा। दूसरा है ग्लूकागॉन। तो अगर ये दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन का संश्लेषण एवं स्रावण कर रहा है तो ये एंडोक्राइन है। वहीं ये एक्सोक्राइन कब होगा, जब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब पाचन क्रिया होती है तो अग्नाशय रस जो होता है अग्नाशय द्वारा क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है और ये छोटी आंत तक जो है वो पहुँचता है, जो कि पाचन क्रिया में सहायक है। तो यही जो पाचक रस जो है, अग्नाशय रस जो है, ये स्रावित किया जाता है। तो यह उदाहरण होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का या बहिर्स्रावी ग्रंथि का। तो हमने देखा कि मिश्रित ग्रंथि जो होती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है पैंक्रियाज या अग्नाशय। क्यों? क्योंकि जो अग्नाशय होता है वो बहिर्स्रावी के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है जब ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हॉर्मोन्स का संश्लेषण एवं स्रावण करेगा। और ये बहिर्स्रावी के रूप में कब कार्य करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कब कार्य करेगा, जब ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो ये उसका किस चीज़ का उदाहरण हुआ, बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में इसका उदाहरण हुआ। तो अभी हमने ये देखा कि ग्रंथियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन जिसे हम अंतःस्रावी कहते हैं, और तीसरा जो है वो हमारा है मिश्रित ग्रंथि जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड जो है कहते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं कि कितने प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो मानवों में पाई जाती हैं या सजीवों में देखी गई हैं। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि जितने भी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां सजीवों में पाई जाती हैं वो सारे जो हैं वो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उसी प्रकार थाइमस है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है, साथ ही साथ क्या है, टेस्टिस और ओवरी है। तो ये जितने भी प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसे हम एक एक करके डील करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम्स में ये देखा गया है कि जितने भी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो या तो ये पूछे जाते हैं कि कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है या किस हार्मोन का फंक्शन या कार्य क्या है। तो हमें ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो साथ ही साथ लेते हुए चलनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो तीन भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और जो होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का ही जो दूसरा भाग होता है डायनसेफेलॉन, उसी डायनसेफेलॉन का भाग होता है हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि डायनसेफेलॉन में भी दो भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो डायनसेफेलॉन का भाग है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या है, मैंने क्या कहा कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो भी हॉर्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं या जो हॉर्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं उनका नियमन करना, नियमन मतलब क्या करना, रेगुलेशन करना। तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या हुआ कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो भी हॉर्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं उनका निरंतर नियमन करना। तो अब इसी आधार पर कि ये नियमन करते हुए या तो उस हॉर्मोन्स के स्रावण को बढ़ा दे या रोक दे, तो इस बेसिस पे जो हाइपोथैलेमस के द्वारा हॉर्मोन्स स्रावित किए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मोचक हॉर्मोन्स जिसे हम क्या कहते हैं, रिलीजिंग हॉर्मोन्स। दूसरा होता है निरोधी हॉर्मोन्स या इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। तो ये जो मोचक हॉर्मोन्स हुए या रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं इनका कार्य क्या होता है कि जो पीयूष ग्रंथि से हॉर्मोन के स्राव को क्या करें,
प्रेरित करता है, मतलब इंड्यूस करता है, बढ़ाता है, तो ऐसे हॉर्मोन्स को हम क्या कहते हैं, मोचक हॉर्मोन्स। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है गोनाडोट्रोपिन मुक्तकारी हॉर्मोन, जिसे हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स भी कहते हैं। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन है, इसका कार्य क्या होता है कि इसे हम एक तो GnRH के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा गोनाडोट्रोपिन्स, क्या बोलना चाहिए कि जो मेल और फीमेल में जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं जिन्हें हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, उनके संश्लेषण एवं स्रावण को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन। और ये किसका प्रकार होता है? मोचक हार्मोन्स या रिलीजिंग हार्मोन्स का प्रकार होता है। उसी प्रकार जो दूसरा हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है वो है निरोधी हार्मोन, जिसे हम इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्राव हो रहे हैं उनको क्या करता है, ये रोकता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो सोमैटोस्टैटिन। अब सोमैटोस्टैटिन का कार्य क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा एक प्रकार का हार्मोन जो है सीक्रेट किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन। क्या कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनके स्रावण को सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, रोकता है या कम कर देता है। इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, निरोधी हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो ये हुआ हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के बारे में। अब हम चलते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो जो हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट किए जा रहे हैं या उनका संश्लेषण किया जा रहा है। नेक्स्ट जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी जो होता है ये हाइपोथैलेमस से जो है वो जुड़ा रहता है और सेला टर्सिका नामक एक अस्थल गुहा में जो रहता है वो स्थित होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है ये है हाइपोथैलेमस, लेबल भी किया हुआ है, और ये है हमारा क्या, पश्च पीयूष ग्रंथि, और ये है हमारा अग्र पीयूष ग्रंथि। तो सबसे पहले जो हम हार्मोन्स देखेंगे वो देखेंगे कि जितने भी हार्मोन्स होंगे वो अग्र पीयूष ग्रंथि या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो है वो स्रावित किए जाएंगे, मतलब अग्रभाग द्वारा स्रावित किए जाएंगे। तो अग्रभाग द्वारा स्रावित जो है सबसे पहला हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन्स, जिसे हम वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। जैसा कि नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि वृद्धि हार्मोन्स, तो ये क्या होगा, वृद्धि एवं विकास के लिए मतलब सजीवों में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर ये वृद्धि हार्मोन्स जो हैं इनका अधिक स्रावण हुआ, कहने का मतलब ये है कि अगर इनका सिंथेसिस जो है वो अधिक हो रहा है तो इससे क्या हो सकता है कि अधिक सिक्रीशन के कारण क्या होगा, या एक्सेस सिक्रीशन के कारण क्या होता है, जाइजेंटिज्म होता है, भीमकायता होती है। एक ऐसा कहना चाहिए सजीव दिखाई देगा जो बहुत ही जाइजेंटिक फिगर का होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जाइजेंटिज्म कहते हैं या भीमकायता कहते हैं, मतलब डेवलपमेंट या जो वृद्धि है शरीर की वो बहुत ज़्यादा अधिक होने लगती है। नेक्स्ट जो है, अगर इसका कम स्रावण हो रहा है या लेस सिक्रीशन हो रहा है तो इससे क्या होगा कि शरीर जो है, शरीर में वृद्धि जो होती है वो ठीक से नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, बौनापन देखा जाता है। और इसी बौनेपन या इसी क्या कहना चाहिए, डिसीज्ड वाला जो एक पोस्चर बनता है उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, या इसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं गौनापन। तो सबसे पहले में हमने देखा ग्रोथ हार्मोन्स की एक्सेस सिक्रीशन के कारण क्या होता है, जाइजेंटिज्म। तो हमने अभी देखा वृद्धि हार्मोन्स में कि ग्रोथ हार्मोन्स में अगर एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है या अधिक स्रावण हो रहा है तो जाइजेंटिज्म या भीमकायता होती है, और वहीं अगर कम स्रावण हो रहा है, लो सिक्रीशन हो रही है तो क्या होगी, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या गौनापन जो है वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट जो हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग द्वारा स्रावित किया जाता है वो है प्रोलैक्टिन।
तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका कार्य क्या होता है कि स्तन ग्रंथियों द्वारा क्या मतलब कि ये जो है ममरी ग्लैंड्स के विकास का नियमन करता है, मतलब इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ममरी ग्लैंड्स। तो स्तन ग्रंथियों के विकास का नियमन करता है, साथ ही साथ दूध के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, ममरी ग्लैंड्स के विकास का नियमन करता है, मतलब इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ममरी ग्लैंड्स, और साथ ही साथ मिल्क फॉर्मेशन या दूध के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर मदर में दूध का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है, मतलब लैक्टेशन के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होगा, तो वो होता है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन जो है वो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग द्वारा स्रावित किया जाता है। वहीं जो तीसरा हार्मोन है उसे हम कहते हैं थायराइड उत्तेजन हार्मोन। क्या कहते हैं हम, थायराइड उत्तेजन हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में TSH भी लिख सकते हैं। अब ये जो TSH होता है इसका क्या कार्य होता है कि थायराइड ग्रंथि से जो थायराइड हार्मोन का संश्लेषण एवं स्रावण किया जाता है, और मोस्टली जो T3 और T4 हार्मोन होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित किए जाते हैं, उनका नियमन करना, उनका रेगुलेशन करना, मतलब एक प्रकार से ये स्टिमुलेशन का कार्य करता है, ये सिर्फ क्या करेगा, ये उत्तेजन का कार्य करता है उनके, मतलब स्टिमुलेशन के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन होता है वो है TSH। तो TSH का कार्य क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायराइड हार्मोन्स का संश्लेषण एवं स्रावण है उसका उत्तेजन करना ही कार्य किसका होता है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन का, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और ये जो T3 और T4 हार्मोन है ये हम डिटेल में देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद जब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ हार्मोन है जो कि अग्रभाग द्वारा रिलीज किया जाता है वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसे हम ACTH भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा जो कि संश्लेषित एवं स्रावित किया जाता है वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, ACTH। अब ये जो ACTH होता है ये क्या कार्य करता है, यह एड्रिनल बल्बुट पर कार्य करता है। अभी हम जब जैसे जैसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड देखते जाएंगे हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी देखेंगे। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, सिचुएटेड वो होता है किडनी के अग्रभाग या एंटीरियर साइड पर सिचुएटेड होता है। और यही जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ये क्या होते हैं, दो भागों में विभाजित होते हैं। एक होता है एड्रिनल मेड्यूला, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एड्रिनल मध्यांश कहते हैं, और वहीं जो दूसरा होता है वो होता है एड्रिनल बल्बुट, जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कार्य कौन करता है, ACTH कार्य करता है, और इसे क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक हॉर्मोन्स ठीक है के संश्लेषण एवं स्रावण के लिए प्रेरित करता है। मतलब ACTH जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के भाग को क्या करता है, उस पर कार्य करता है, और उसके द्वारा एक प्रकार का हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उनके भी क्या करता है, वो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के भाग द्वारा स्थापित होते हैं। बट ACTH का कार्य क्या होता है, मेन की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक जो हार्मोन संश्लेषित एवं स्रावित किया जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के भाग के द्वारा, वो क्या करता है, उसको प्रेरित करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन के लिए, कौन, ACTH। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का कार्य होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल बल्बुट पर कार्य करना, और उसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन के संश्लेषण एवं स्रावण को प्रेरित करना। तो ये हुआ ACTH का कार्य। वही जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LHB कहते हैं, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे पुटिका प्रेरक हार्मोन कहा जाता है। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जनन अंगों पर, मतलब गोनाड्स पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, इसीलिए इन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, गोनाडोट्रोपिन्स कहा जाता है।
जैसा कि मैंने आपको हाइपोथैलेमस में भी बताया था कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं वो एक प्रकार के मोचक हॉर्मोन्स है या रिलीजिंग हॉर्मोन्स है, और वही क्या करते हैं कि गोनाडोट्रोपिन्स के सिक्रीशन या संश्लेषण के लिए क्या करते हैं, वो उनको प्रेरित करते हैं। तो यही वो गोनाडोट्रोपिन्स हैं जिनकी एक्टिविटी जो है वो कहाँ से इनिशिएट स्टिमुलेट होती है, हाइपोथैलेमस के गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स के द्वारा। तो LH और FSH को क्या कहा जाता है, गोनाडोट्रोपिन्स, क्या कहा जाता है, गोनाडोट्रोपिन्स कहा जाता है। अब LH और FSH का जो कार्य होता है वो मेल्स में और फीमेल्स में जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब अगर हम नर में देखें, ठीक है, नर मतलब मेल्स में अगर हम देखें तो ये जो LH होता है, LH क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन नामक हार्मोन का संश्लेषण एवं स्त्रावण करता है। किसका, एंड्रोजन्स का। और एंड्रोजन्स ही जो होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। और यही जो टेस्टोस्टेरोन है इन्हें क्या कहा जाता है, पुरुष विकास हार्मोन, मतलब मेल डेवलपमेंट हार्मोन जो है किसे कहा जाता है, एंड्रोजन्स को कहा जाता है या टेस्टोस्टेरोन्स को कहा जाता है। वही जो FSH होता है और एंड्रोजन जो है वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, मेल्स में शुक्राणु जनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो इंड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, तो वो FSH और एंड्रोजन्स के द्वारा शुक्राणु जनन में पार्टिसिपेट किया जाता है या स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, स्पर्म्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो ये हुआ किसका, LH और FSH का फंक्शन किसमें, मेल्स में। अब हमें ये फीमेल्स में देखते हैं, वही फीमेल्स में जो LH होता है और FSH जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये दो प्रकार के हॉर्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और वही दूसरा जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एक है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का ही एक मेन बोला चाहिए हार्मोन जो होता है जिसका एक फॉर्म होता है जिसे क्या कहा जाता है, एस्ट्राडियोल कहा जाता है। और यही जो एस्ट्राडियोल है इसे क्या कहते हैं, नारी विकास हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, नारी विकास हार्मोन कहते हैं या फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यही जो हार्मोन है ये फीमेल्स में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं जो कि फीमेल्स में डेवलप होते हैं जुवेनाइल स्टेज में, उनके क्या कहना चाहिए, उनके विकास के लिए या उनकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। और उसी एस्ट्रोजन का एक मेन फॉर्म होता है जिसे हम एस्ट्राडियोल कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, नारी विकास हार्मोन कहते हैं या फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन कहते हैं। वही जो दूसरा हार्मोन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन कह रहे हैं। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है या प्रेगनेंसी में सहायक हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी एंड पी फॉर प्रोजेस्टेरोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन या एक रोल प्ले करता है फीमेल्स में। तो ये हमने देखा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका प्रेरक हार्मोन्स का क्या रोल होता है मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंटली। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं जो कि अग्रभाग द्वारा जो होता है वो स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन जो कि लास्ट हार्मोन है जो कि अग्रभाग द्वारा स्रावित किया जाता है वो है मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम MSH लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो MSH होता है इसका कार्य क्या होता है कि ये मेलानोसाइट्स
मेलानोसाइट्स कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोशिकाएं जो कि मेलानिन कंटेन करती हैं, मेलानिन जो होता है एक प्रकार का वर्णक होता है या पिगमेंट होता है जो कि स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो मेलानिन है, ठीक है, ये जो मेलानोसाइट्स या मेलानिन कंटेनिंग कोशिकाएं या सेल्स होती हैं, ये उन पर क्रियाशील होता है और त्वचा के वर्णकता मतलब त्वचा की पिगमेंटेशन मतलब जो त्वचा की कलर है, कोई डार्क कलर का है, कोई थोड़ा वाइट कलर का है, कोई गेहुआ कलर का है, तो ये जो रंग होता है ये मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। मेलानिन पिगमेंट अगर अधिक होगा तो डार्क कलर होगा, कम होगा तो वाइट कलर होगा। तो यही जो वर्णकता होती है त्वचा की, उसका नियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका नियमन MSH या मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट जो दो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हम देखेंगे, वो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग या पोस्टीरियर साइड से क्या कहना चाहिए स्रावित किया जाता है या पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो है वो है वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो शरीर की चिकनी पेशियाँ जो होती हैं या स्मूथ मसल्स जो होती हैं उन पर कार्य करता है। किन पर कार्य करता है? चिकनी पेशियाँ या स्मूथ मसल्स पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। संकुचन को प्रेरित करना मतलब कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा हार्मोन होता है जो कि शरीर में चिकनी पेशियां या स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो फीमेल्स में जब चाइल्ड बर्थ का समय होता है या ये कह सकते हैं कि प्रसव का जब समय होता है जो गर्भाशयी पेशियां होती हैं या जो वजाइनल सर्विक्स की जो पेशियां या स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनके संकुचन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि चाइल्ड बर्थ के समय वो थोड़ा डायलेट हो सके। और वहीं जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, तो जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, उनसे दूध के स्रावण या दूध के सिक्रीशन के लिए भी यह क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या होता है कि वो शरीर में जो भी स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो फीलिंग्स आती हैं ये कह सकते हैं कि जो फीलिंग्स आती हैं माँ और बच्चे के बीच में जिस, ठीक है, तो उनके लिए भी जो जिम्मेदार हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का कार्य जो है वो क्या होता है कि चिकनी पेशियों के कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन को प्रेरित करता है। वहीं जो दूसरा हार्मोन है वो है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन का कार्य क्या होता है कि वृक्क या किडनी में जो हम जैसा कि जानते हैं कि जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वृक्क की या किडनी की, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दूरस्थ संवलित नलिका या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसा कि अगर ये स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है तो ये जो वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, DCT। क्या कहते हैं हम इसे? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या दूरस्थ संवलित नलिका। और यही जो दूरस्थ संवलित नलिका होती है इसमें क्या होता है, वैसोप्रेसिन क्या करता है कि जल एवं आयन्स का, जल और आयन, वाटर और आयन्स के पुनरावशोषण मतलब रीअब्सॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण यूरिन के साथ जो वाटर का जो लॉस हो सकता है वो उसको कम करता है। इसी प्रोसेस को डायूरेसिस कहा जाता है। और जैसे कि ये डायूरेसिस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब वाटर लॉस को यूरिन के साथ वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है बाय रीअब्सॉर्प्शन, और वो भी कहाँ से, DCT से, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। तो इसीलिए वैसोप्रेसिन को ADH कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये 2016 के प्रश्न पत्र में आ भी चुका है कि ADH हार्मोन जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको ऑक्सीटोसिन भी मिलेगा, वैसोप्रेसिन भी मिलेगा और भी हार्मोन्स के नाम लिखे होंगे। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आप क्या लगाएंगे, वो आप लगाएंगे वैसोप्रेसिन।
तो ये हुआ वैसोप्रेसिन के बारे में। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट ग्लैंड जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट ग्रंथि जो है आफ्टर पिट्यूटरी ग्लैंड वो है पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड। अब ये जो पीनियल ग्रंथि होती है इसके द्वारा एक प्रकार का हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है जो हमारे शरीर के दैनिक लय मतलब हमारे शरीर का जो एक बायोलॉजिकल रिदम है या जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या होता है, जो एक 24 घंटे का जो एक चक्र पाया जाता है, ठीक है, जिसमें हम सोना जागना और भी अपनी अन्य क्रियाएं करते हैं, उसे ही हम अपना क्या कहते हैं, दैनिक लय कहते हैं या 24 घंटे का चक्र कहते हैं या हम उसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। तो यही जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर के दैनिक लय मतलब 24 घंटे का जो एक चक्र होता है उसका नियमन करता है। अब अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जो स्लीप वेक साइकिल है या हम ये कह सकते हैं कि जो सोने और जागने का जो चक्र होता है उसका भी नियमन कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन करता है। वही शरीर के तापक्रम का जो नियमन है वो भी कौन करता है, तो वो भी मेलाटोनिन हार्मोन ही करता है। और मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो किसके द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित किया जाता है, तो वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या होता है, इसकी स्थिति कहाँ होती है या अस्थिति कहाँ होती है, लोकेशन कहाँ होता है, तो जो श्वास नली होती है श्वास नली के दोनों ओर जो है वो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो है ये श्वास नली है और इसके दोनों साइड क्या है, थायराइड ग्लैंड की अवस्थिति है या ये लोकेटेड कहाँ रहता है, श्वास नली के दोनों साइड्स में। अब अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, दो प्रकार के हॉर्मोन्स जो हैं संश्लेषित एवं स्रावित किए जाते हैं। तो पहला जो है वो है टेट्राहाइड्रोथायरोनिन जिसे हम T4 भी कह सकते हैं या उसे हम क्या कह सकते हैं, थायरोक्सिन भी कहते हैं। वहीं जो दूसरा है वो है ट्राईआयडोथायरोनिन जिसे हम T3 हार्मोन कहते हैं। अब ये जो दोनों ही हार्मोन्स होते हैं इनका जो एक नॉर्मल लेवल जो होता है सिंथेसिस और सिक्रीशन का, ये मेंटेन किया जाता है आयोडीन के द्वारा। अब ये जो आयोडीन है, आयोडीन जो है ये दोनों के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आयोडीन की जो कमी हो जाए शरीर में तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोडीन की कमी हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड होता है मतलब क्या है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इसकी क्या होती है, ग्रोथ होने लगती है या ये साइज में क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, क्वाइटर होता है। जैसा कि हमने देखा होगा कि कुछ लोगों का यहाँ से क्या होता है, एक उभार जैसा दिखता है। ये क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होने लगती है, विकास होने लगता है। तो ये जो स्टेट होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं या गलकंड कहते हैं। अब ये जो गोइटर वाला स्टेज है ये क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि आयोडीन की कमी हुई जिसके कारण थायराइड ग्लैंड जो है उसकी वृद्धि होने लगी या उसका अधिक विकास हुआ। तो वहीं अगर हम देखें कि अगर कोई फीमेल जो है अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर कोई मादा जो है वो गर्भावस्था में है और अगर उसे आयोडीन की कमी हुई तो इसके कारण क्या होगा कि जो बच्चा पैदा होगा या जो चाइल्ड होगा, ठीक है, उसमें क्या है, आयोडीन की कमी के कारण एक स्टेट आ जाता है जिसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। और क्रेटिनिज्म ही जो होता है इसे हम अगर सिंपल शब्दों में कहें तो हम इसे क्या कहेंगे कि जो बच्चा होता है वो मंद बुद्धि पैदा हो सकता है। तो ये हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड में जो भी हॉर्मोन्स होते हैं, कौन से दो मेन हॉर्मोन्स हैं, वो है एक टेट्राहाइड्रोथायरोनिन जिसे हम क्या कहते हैं, T4 कहते हैं या थायरोक्सिन भी कह सकते हैं, और वहीं जो दूसरा होता है वो है ट्राईआयडोथायरोनिन जिसे हम T3 कहते हैं। वहीं एक और प्रोटीन हार्मोन कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं हम इसे, प्रोटीन हार्मोन जिसे कहा जाता है थायरोकैल्सिटोनिन। क्या कहते हैं हम इसे, थायरोकैल्सिटोनिन।
कैल्सिटोनिन। तो यही जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में, मतलब ब्लड में रुधिर में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, वो बैलेंस करके रखता है। क्या, कौन सा हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही संश्लेषित एवं स्रावित की जाती है। और अगर हम देखें कि अगर थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी अधिक वृद्धि हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी अधिक वृद्धि के कारण क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में अगर ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो एक और स्टेट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिसीज़। क्या कहते हैं हम, ग्रेव्स डिसीज़ कहते हैं। तो यही जो होता है ग्रेव्स डिसीज़, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं कि जब थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होने लगे, आँख जो होते हैं ये बाहर की तरफ उभार आने लगता है, और वही कुछ उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं शरीर की वो डिस्टर्ब होने लगती हैं, तो एक प्रकार का डिसीज़ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिसीज़। तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट, अगर एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाए कि ग्रेव्स डिसीज़ जो होता है वो किस ऑर्गेन में जो होता है कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस के कारण होता है, तो वो होता है थायराइड ग्लैंड में डिस्टर्बेंस के कारण। कौन कौन से होते हैं, एक तो गोइटर हो सकता है जिसे हम गलकंड भी कहते हैं, वहीं ग्रेव्स डिसीज़ भी होता है, और साथ ही साथ इनके द्वारा जो तीन हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, थायरोक्सिन, ट्राईआयडोथायरोनिन और साथ ही साथ थायरोकैल्सिटोनिन, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्लैंड। अब इस ग्लैंड के द्वारा एक प्रकार का हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है या स्रावित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन। अब यही जो पीटीएच हार्मोन है यह क्या करता है, यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। अब अगर कोई भी हार्मोन कैल्शियम के स्तर को रक्त में बढ़ा रहा है, इसीलिए इस हार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहा जाता है या अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये रक्त में या ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब पैराथायराइड हार्मोन ऐसी क्या एक्टिविटी करता है, तो पैराथायराइड जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, भोजन में जब भोजन का पाचन होता रहता है तो उस समय पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। उसी प्रकार किडनी में जब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, मतलब जब पुनरावशोषण का प्रोसेस होता रहता है, तो उस समय कैल्शियम जो आयंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाता है पैराथायराइड हार्मोन के कारण। और ये सारे जो कैल्शियम आयंस होते हैं तो इन्हें वो क्या, कहाँ पे लाके रखना, छोड़ता है, रिलीज करता है, ब्लड में। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, मतलब पीटीएच हार्मोन इज नोन एज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन या अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को शरीर ब्लड में या रक्त में जो है वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि। अब जो ये थाइमस ग्रंथि होती है ये क्या करता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जो थाइमस ग्रंथि है या जो थाइमस ग्लैंड है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है इन द सेंस ये क्या कर रहा है, ये प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे, ये एक प्रकार का हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन जो है वो सीक्रेट करता है जिसे थाइमोसिन कहा जाता है। अब यही जो थाइमोसिन है वो क्या करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स, क्या करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स मतलब एक प्रकार की WBC या श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनका लिम्फोसाइट एक प्रकार का कोशिका होता है। और यही जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये अगेन दो प्रकार में विभक्त होती हैं, कौन कौन सी कोशिकाओं में, बी को बी सेल्स में और टी सेल्स में। अब यही जो टी सेल्स होते हैं, इन्हीं टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स को क्या करती हैं, ये प्रेरित करती हैं उनके फॉर्मेशन को। इसीलिए ये जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। या हम उसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कह सकते हैं। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये एक पेयर में पाई जाती है और वृक्क के या किडनी के अग्र भाग में ये सिचुएटेड होती है। अब ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला। मतलब
एड्रिनल मेड्यूला को हम अधिवृक्क मध्यांश कहते हैं और वहीं एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम अधिवृक्क वल्कुट कहते हैं। अब एड्रिनल मेड्यूला के द्वारा जो है जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम ACTH के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के बारे में, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं उनका क्या करता है, उनको वो प्रेरित करता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो अधिवृक्क वल्कुट है या अधिवृक्क जो ग्रंथि है उसके द्वारा, जो उसका पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का क्या करते हैं, का संतुलन करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का संतुलन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और वहीं अगर एक सिचुएशन आ सकती है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जब सही तरीके से काम ना करे, तो उससे क्या होगा कि यही जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं इनका सिक्रीशन जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है या कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय होता है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होती है, थकान बनी रहती है शरीर में और फैटिगनेस आती है। और इसी के कारण एक डिसीज होता है जिसे कहा जाता है एडिसन्स डिसीज। क्या कहा जाता है, एडिसन रोग। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसका कार्य क्या होता है। और वहीं एक और हार्मोन जो होता है जो कि सिक्रीट किया जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। हम क्या कहते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है इसका कार्य क्या होता है, तो जो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है इसका कार्य क्या होता है कि यह क्या करेगा, जल एवं जो विद्युत अपघटियों का, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एक बैलेंस होता है उसे मेंटेन कौन करता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड करता है। तो ये हमने देखा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनका कार्य क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि का दूसरा जो भाग था हमारा, वो एड्रिनल मेड्यूला। अब एड्रिनल मेड्यूला या अधिवृक्क मध्यांश के द्वारा जो दो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं या स्रावित किए जाते हैं वो है एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन, और वही दूसरा जो है वो है नॉरएड्रिनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन। और इन दोनों ही हार्मोन्स को साथ में कहा जाता है कैटेकोलामाइंस। ठीक है, और यही दोनों हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, कैटेकोलामाइंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो दोनों ही हार्मोन्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं आपातकालीन हार्मोन्स, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, या इन्हें और क्या कहा जा सकता है, इन्हें युद्ध हार्मोन्स भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इन्हें लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है, मतलब फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इमरजेंसी या स्ट्रेस्ड सिचुएशंस में सीक्रेट होते हैं, इसीलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है, युद्ध हार्मोन्स भी कहा जाता है, और साथ ही साथ लड़ो या उड़ो हार्मोन्स, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ये जो हार्मोन्स हो सकते हैं ये कौन से सिचुएशंस में रिलीज होते हैं या सीक्रेट किए जाते हैं, जब हम कभी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट में होते हैं, जब पसीना आता है या हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये इन्हीं हार्मोन्स के सिक्रेशन के कारण होता है। अब एक पॉइंट ये आता है कि ये जो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, वाहिका विस्तारण हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम वाहिका विस्तारण हार्मोन कहते हैं या वैसोडाइलेटर कहते हैं। तो इसे हम वैसोडाइलेटर क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसके कारण जो होता है रक्त का जो प्रवाह होता है या प्रेशर होता है वो हृदय, हार्ट, लंग्स और साथ ही साथ क्या होता है, स्केलेटल मसल्स में बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वैसोडाइलेटर
कहते हैं, और वही जो दूसरा रक्त दाब को क्या करता है, मेंटेन कर देता है, जस्ट इसके ऑपोजिट, वो क्या, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है वेसो कंस्ट्रिक्टर, क्या कहलाता है, वाहिका संकीर्ण। तो हमने देखा कि एड्रेनालिन जो है वो वैसो डायलेटर होता है, तो वही नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है पैंक्रियास। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैंक्रियास, जिसे हम अग्नाशय भी कहते हैं। अब ये जो अग्नाशय है ये क्या होता है, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करेगा। अब अग्नाशय में क्या होता है, कुछ ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं या लैंगरहांस द्वीप कहा जाते हैं। अब इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में दो प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, एक होता है अल्फा कोशिकाएँ, दूसरी बीटा कोशिकाएँ। जो अल्फा कोशिकाएँ होती हैं वो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रीशन, संश्लेषण एवं स्रावण करती हैं, और वहीं 20 बीटा सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक पेप्टाइड हार्मोन का संश्लेषण और स्रावण करती हैं, जिसे इंसुलिन कहा जाता है। ये जो ग्लूकागॉन होता है इसे अति ग्लूकोज रक्तता हार्मोन या हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। वहीं जो इंसुलिन होता है इसे अल्प ग्लूकोज रक्तता हार्मोन कहा जाता है या हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रक्त में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम कर देता है। तो अब ये देखते हैं कि ये किस प्रकार बढ़ा रहा है और ये किस प्रकार कम कर रहा है। तो अगर हम देखें ग्लूकागॉन को, तो ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। तो कैसे बढ़ाएगा, तो जो हेपेटोसाइट्स होते हैं या जो लीवर कोशिकाएं होती हैं उनमें ग्लूकोज या एनर्जी, ऊर्जा जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो इसी ग्लाइकोजन को ये जो ग्लूकागॉन होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब एक चक्र है, साइकिल है, जिसके थ्रू ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक होके अपने सबसे छोटे अणुओं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकागॉन जो होता है उसे क्या करता है, रक्त में जाके रिलीज कर देता है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब इंसुलिन जो है उसके लेवल को कम कैसे करेगा, तो ये जो इंसुलिन होता है ये क्या करेगा, अब ग्लूकोज के लेवल को क्या करना है, कम करना है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, वो उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदलता है, क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदलता है, और हेपेटोसाइट्स में क्या करता है, स्टोर करा देता है। मतलब हेपेटोसाइट्स मतलब लीवर कोशिकाएं और एडिपोज टिश्यूज में क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो एक ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और रक्त में डालता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है, इसीलिए यह हाइपरग्लाइसेमिक है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर हेपेटोसाइट्स या और एडिपोज टिश्यूज में ले जाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार एक बढ़ाता है और एक कम करता है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है टेस्टिस और ओवरी, तो चलिए देखते हैं उसे भी। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है वृषण, जिसे हम टेस्टिस भी कहते हैं। टेस्टिस में क्या होता है, एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लेडिग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं, जिसे लेडिग या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं या सेल्स भी कहा जा सकता है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एक प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करती हैं या उनका स्रावण करती हैं, जिन्हें एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। इन हार्मोन्स के बारे में हमने ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्कस करते समय देख ही लिया था। तो ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मेल डेवलपमेंट हार्मोन कहते हैं या पौरुष विकास हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेल्स में क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का डेवलपमेंट करते हैं। वहीं जो दूसरा हमारा कहना चाहिए ग्लैंड है वो है अंडाशय, जिसे ओवरी भी कहते हैं। और ये जो ओवरी होती है ये दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसी एस्ट्रोजन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, इसका एक मुख्य फॉर्म पाया जाता है जिसे एस्ट्राडियोल कहा जाता है। इसी एस्ट्राडियोल हार्मोन को हम फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन या मादा
विकास हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वहीं जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये गर्भाशय या गर्भधारण के लिए या गर्भाशय को सपोर्ट करता है, इसीलिए ये जो है ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं फीमेल्स में। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और सारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस और कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा कौन सा हार्मोन जो है वो सीक्रेट किया जा रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जैसा कि हमने अभी ये सारे के सारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देखी, तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये देखते हैं कि हमने कितने अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को सुना है, तो एक एक करके हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं एज अ प्रैक्टिस लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा। मतलब अगर वृक्क से जो मूत्र की मात्रा निकल रही है, ठीक है, उसका नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शंस में है TSH के द्वारा, ACTH, FSH या ADH के द्वारा। जैसे कि हमने देखा था कि हमने क्या देखा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है कौन क्या होता है जो पीयूष ग्रंथि होती है या जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पश्च भाग से एक प्रकार का हार्मोन सीक्रेट हो रहा था जिसे हम क्या कहते थे, वैसोप्रेसिन कहते थे। और यही जो वैसोप्रेसिन हार्मोन था इसे हम क्या कह रहे थे, ADH या एंटी डायोरेटिक हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर D, मतलब ADH के द्वारा या एंटी डायोरेटिक हार्मोन के द्वारा। और यही एक और प्रश्न के फॉर्म में बदल सकता है कि किस हार्मोन को ADH कहा जाता है या एंटी डायोरेटिक हार्मोन कहा जाता है, तो वैसोप्रेसिन को एंटी डायोरेटिक हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, और चौथा है रक्तचाप बढ़ जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पैंक्रियास होते हैं वो मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, क्या है, पैंक्रियास जो है वो क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। और यही जो अग्नाशय है ये क्या होती है, ये मिश्रित ग्रंथि है। तो अगर ये मिश्रित ग्रंथि है तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करती है, और अगर ये एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का क्या करती है, सिंथेसिस और सिक्रेशन करती है। मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का क्या करती है, संश्लेषण एवं स्रावण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अग्नाशय में खराबी हुई तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन जो है वो नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मधुसूदनी या इंसुलिन जो होता है वो अंतःस्राव या हार्मोन 1- पहला है ग्लाइकोपेप्टाइड या दूसरा है वसीय अम्ल, तीसरा पेप्टाइड और चौथा है स्टेरॉल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलिन होता है वो एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि ये क्या होता है, इंसुलिन इज़ अ काइंड ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एड्रेनालिन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। जैसा कि हमने देखा था कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था वो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के पश्च पोस्टीरियर साइड से रिलीज होता है, और यही ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है, जो चिकनी पेशियां पाई जाती हैं उनमें संकुचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मादाओं में जब क्या होता है कि जब क्या कहना चाहिए कि जब चाइल्ड बर्थ का समय आता है उस समय जो वेजाइनल सर्विक्स के जो मसल्स होते हैं उनके डायलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीटोसिन होता है, और जो स्तन ग्रंथियों में जो मसल्स पाई जाती हैं उनके
क्या कहना चाहिए, उनके संकुचन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑक्सीटोसिन, और उसी संकुचन के कारण क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा हार्मोन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है वो क्या कहलाता है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन कहलाते हैं। तो चलिए ऑप्शन हम देखते हैं, इंसुलिन, दूसरा एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एड्रेनालिन। और यही जो एड्रेनालिन है इसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और इसी एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन को हम केट कोलामाइंस कहते हैं। सभी को मिला के हम क्या कह रहे थे, केट कोलामाइंस कह रहे थे। और यही जो होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, और साथ ही साथ इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स या आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एड्रेनालिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एस्ट्रोजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए अस्थि, बी हार्मोन, सी एंजाइम एंड डी इज विटामिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एस्ट्रोजन जो होता है वो एक प्रकार का हार्मोन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नारी विकास हार्मोन कहलाता है, मतलब फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन जो है वो कौन कहलाता है, एस्ट्रोजन कहलाता है। और यही जो एस्ट्रोजन है वो अंडाशय के द्वारा रिलीज होता है, साथ ही साथ ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के डेवलपमेंट या विकास के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि एस्ट्रोजन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर हम देखें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर, और वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न हुए जिसके थ्रू हमने ये देखा कि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, उस सारे मैटर को उठा के। तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।